नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का श्री एजुकेशन की तरफ से। मेरा नाम है रवि। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो होगा जैन धर्म पर होगा। जैन धर्म का ये जो है सेकंड लेक्चर है, और वैसे देखा जाए प्राचीन भारत के हिसाब से देखा जाए इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन सीरीज हम पढ़ रहे हैं उसका ये 15th वीडियो है। इसके पहले 14 वीडियो हमने अपलोड कर दी हैं, वो देख लीजिए आप। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, जरूर देखिएगा। और हमारा फेसबुक पेज को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट जो है मिलते रहें। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो कंटिन्यू कर रहे हैं जैन धर्म पर, हम सीरियल वाइज चल रहे हैं, तो ये शुरू से आपको देखना जरूरी होगा। अगर आपने ये चैप्टर कभी नहीं पढ़ा फिर भी आपको समझ में आ जाएगा अगर सीरियल वाइज पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो है सेल वाइज एडजस्ट किए गए हैं। तो आज का क्वेश्चन देखिए, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। तो अहिंसा दोस्तों जो है जैन धर्म का जो है आधारभूत बिंदु है, क्योंकि आपको मालूम होगा हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि पांच जो महाव्रत हैं उनकी जो है जैन धर्म में व्यवस्था की गई है। जैसे पहला जो है अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अस्तेय, और चौथा ब्रह्मचर्य, और जो पांचवा है अपरिग्रह है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यापनी किसका एक संप्रदाय था। तो दोस्तों, यापनी जो है वो जैन धर्म का संप्रदाय था, और जिसकी उत्पत्ति जो है वो दिगंबर संप्रदाय से हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है। तो दोस्तों, 14 पूर्व जो है प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए। तो दोस्तों, इसका आंसर है अर्धमागधी। ठीक है, अर्धमागधी भाषा में। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। तो दोस्तों, इसका आंसर है सम्मेद शिखर। आपको सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए जो पार्श्वनाथ थे ये 23वें तीर्थकर थे। ठीक है, महावीर इनके बाद आएंगे, 24वें तीर्थकर जो है महावीर जैन थे, और 23वें तीर्थकर जो है पार्श्वनाथ थे। और जिनका जो जन्म हुआ था बनारस में हुआ था, जो काशी के शासक थे अश्वसेन उनके पिता थे, और वामा जो महारानी थी वहाँ की वो उनकी माता जी थी। और ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि पार्श्वनाथ ने 30 वर्ष की आयु में जो है घर त्याग दिया था, और सम्मेद पर्वत पर जो है उन्होंने कठिन तपस्या की, और उन्हें 84वें दिन, तपस्या के 84वें दिन जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति, अगर ऐसे भी आपको लिखा आए कि कैवल्य की प्राप्ति हुई, तो ज्ञान की प्राप्ति को ही कैवल्य कहा जाता है जैन धर्म में। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, तो आपको मालूम पड़ गया सम्मेद शिखर या सम्मेद पर्वत जो है किस थे संबंधित है, पार्श्वनाथ थे, क्योंकि उन्होंने जो है पार्श्वनाथ ने यहाँ पर तपस्या की थी, और तपस्या के 84वें दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी या कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है। तो थेरी गाथा जो है वो आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है। थेरी गाथा है क्या? थेरी गाथा जो है बौद्ध साहित्य दोस्तों, ये जैन साहित्य नहीं है, ये बौद्ध साहित्य, याद रखिएगा, ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होगा। और इसमें जो है 32 कवियों की जो है कविताएं हैं, 32 कवियों की कविताएं हैं इसमें थेरी गाथा में, और कुल जो है थेरी गाथाएं जो है 522 हैं। कितनी है? 522। और बाकी ये सब बात की जाए अचारंग सूत्र और सूत्र कृतांग, बृहत्कल्प सूत्र, ये सब जो है जैन धर्म के साहित्य हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे कौन थे। भाई, जो प्रथम विभाजन हुआ तो जो श्वेतांबर संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो स्थूलभद्र थे। अब देखिए, मौर्य काल में के समय जो है मगध में जो है बहुत बड़ा जो है अकाल पड़ा था, तो उसमें क्या हुआ, जो भद्रबाहु थे ये अपने अनुयायियों को लेकर दक्षिण में चले गए, जबकि जो स्थूलभद्र थे वो वहीं पर रहे, वहां से गए नहीं। तो भद्रबाहु जब अकाल पड़ा मगध में तो ये दक्षिण की ओर गए, जब अकाल की स्थिति नॉर्मल हो गई तब ये वापस तो आए, मगर भद्रबाहु और स्थूलभद्र में मतभेद हो गए जैन धर्म को लेकर, उनके कुछ नियमों को लेकर। तो ये प्रथम विभाजन हो गया था जो है श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। ठीक है, दिगंबर के जो संस्थापक थे अगर ये पूछा जाए वो भद्रबाहु, और श्वेतांबर के स्थूलभद्र। भद्रबाहु ने अपने अनुयायियों को जो उनके फॉलोअर थे उनको जो है निवस्त्र रहने के लिए जो है शिक्षा दी थी, जबकि स्थूलभद्र ने अपने अनुयायियों को जो जैन धर्म से संबंधित थे उनको सफेद जो है वस्त्र पहनने की शिक्षा दी थी। जो प्रथम विभाजन हुआ था, याद रखिए, दो संप्रदाय जो विकसित हुए थे, पहला का नाम था श्वेतांबर, ये लिखा हुआ है, और दूसरे का नाम था दिगंबर,
मैं लिख देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, दिगंबर, ठीक है। और जो संस्थापक पूछे आप बता देंगे, आपको मालूम पड़ गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था, भगवान महावीर का जो प्रथम शिष्य था वो जमाली था दोस्तों। कौन था जमाली? दोस्तों मैं आपको बता दूं, महावीर जैन की एक पुत्री का नाम जो है प्रियदर्शनी था। क्या था? प्रियदर्शनी या प्रियदर्शना था। तो उसके पति का नाम जो है वो जमाली था, ठीक है। महावीर जैन ने प्रियदर्शना जो उनकी पुत्री थी उसका विवाह जो है जमाली के साथ किया था। तो जमाली जो है महावीर जैन का दामाद था, जो कि उनका प्रथम शिष्य भी था। अगर ये क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछा गया था 2008 में UPPCS में, महावीर का प्रथम अनुयायी वो जमाली था, ठीक है। कौन था? जमाली था। अगला क्वेश्चन देखिए, किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? तो दोस्तों पाटलिपुत्र में, आपको मालूम होना चाहिए, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में प्रथम जैन सम्मेलन जो है आयोजित किया गया था, जिसमें जो है श्वेतांबर आगम का जो है संपादन किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कीजिए विचार। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेतक की पुत्री थी? नहीं, बहन थी दोस्तों, बहन थी। ये गलत है, ठीक है। हमने आपको बताया था महावीर जैन के बारे में ना, जब स्टार्टिंग में पढ़ाया था, वो उनकी बहन थी ना कि पुत्री, तो ये गलत हो गया। गौतम बुद्ध की माता कौलीय राजवंश की राजकुमारी थी, ये बिल्कुल सही है। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ बनारस से थे, ये भी सही है। तो दूसरा और तीसरा सही है, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? स्थूलबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब अकाल पड़ा था, हमने आपको बताया, तो वो भद्रबाहु थे, वो अपने शिष्यों को लेकर दक्षिण की तरफ गए थे, ठीक है। और भद्रबाहु के जो समर्थक थे वो दिगंबर कहलाए, क्योंकि हमने आपको ये भी बताया था कि दो भागों में जब बट गया था श्वेतांबर और दिगंबर, श्वेतांबर के जो है संस्थापक कौन थे? शूलभद्र, ये वही थे अकाल के समय मगध में ही, जबकि जो दक्षिण की ओर गए थे वो कौन थे? भद्रबाहु थे। तो ये गलत हो गया पहला वाला। पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे वे श्वेतांबर कहलाए? नहीं, वो दिगंबर कहलाए। स्थूलबाहु के जिन नेतृत्व में थे वो श्वेतांबर कहलाए, ठीक है, जबकि भद्रबाहु में क्या कहलाए? दिगंबर कहलाए। तो ये भी गलत हो गया। प्रथम शतक ईस्वी पूर्व, ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला, ये बिल्कुल सही है। जो कलिंग का जो चेदी वंशीय राजा था, चेदी वंशीय, तो वो जो है जिसका नाम खारवेल था, वो जैन धर्म का अनुयायी था। उसने जो है जैन साधुओं को संरक्षण प्रदान किया और उनके निर्वाह के लिए बहुत सारा उनको दान भी दिया, और उसके साथ ही उनको जो है उनके आरामदायक जो है निवास स्थान भी उनको दिया, ये सही है। तो बौद्ध के विपरीत, चौथा ऑप्शन देखते हैं, बौद्धों के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग चित्रों का पूजन करते थे? नहीं, बिल्कुल गलत है ये, ठीक है। तो चित्र पूजा और मूर्ति पूजा जो है ये प्रचलित नहीं थी जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में। तो तीसरा ऑप्शन सही है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? तो वो जैन दर्शन से संबंधित है, समाधि मरण जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। समाधि मरण को दोस्तों संथारा भी कहा जाता है, संथारा भी कहा जाता है, ठीक है। जीवन के जो है इस सिचुएशन में क्या होता है, जीवन के अंतिम समय में मृत्यु निकट जानकर जो है अपनी मर्जी से जो है मृत्यु को अपनाया जाने की जो है प्रथा है जैन धर्म में। अगर व्यक्ति को जो है लगता है कि वह मृत्यु के करीब है, तो वह खुद ही खाना पीना जो है त्याग देता है, और इसी को दिगंबर जैन शास्त्र के अनुसार समाधि मरण या संथारा या संलेखना, क्या? संलेखना कहा जाता है, ठीक है। और संथारा कौन कहते हैं? ये श्वेतांबर के लोग कहते हैं, श्वेतांबर के। अगला क्वेश्चन देखिए, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे, कौन थे आजीवक संप्रदाय के संस्थापक? मखली गोसाल जो है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। दोस्तों मैं बता दूं आपको, मखली गोसाल जो है प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद के चलते इन्होंने महावीर की शिष्यता को जो है त्याग दिया था और आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की थी। तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक जो है वो मखली गोसाल थे। ये जो थे पहले क्या थे? महावीर के शिष्य थे,
किंतु मतभेद के पश्चात इन्होंने जो है उनकी शिष्यता को त्याग दिया था, उनके शिष्य नहीं रहे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? ये किसने प्रतिपादित किया? तो ये आजीविकों ने ये प्रतिपादित किया, ठीक है, आजीविकों ने। हमने बताया ना आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, मखली गोसाल, तो उन्होंने उन्हीं के अनुसार जो है ये है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा गया था आरएएस के एग्जाम में कि संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता था वो कौन थे, आजीविक थे, ठीक है, आजीविक, याद रखिएगा। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और आजीविकों के बारे में ये भी बहुत क्वेश्चन प्रचलित है कि इन्होंने बाबर की जो गुफाओं का उपयोग किया था, मैं आगे क्वेश्चन ये पूछा गया था आपसे, देखिए बाबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया, तो वो आजीविकों ने ही किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है, तो दोस्तों कौशाम्बी, कौशाम्बी, ठीक है, ये बहुत बार पूछा था कौशाम्बी है, ठीक है, कौशाम्बी है कहाँ से, जो आज जो है कौसम नामक स्थान से फेमस है, ठीक है, कौसम नामक ये नाम से फेमस है। अब इस जगह को कौसम नामक स्थान के नाम से जाना जाता है और ये इलाहाबाद से 33 किलोमीटर की दूरी पर है, इलाहाबाद से 33 किलोमीटर की दूरी पर है, दक्षिण पश्चिम की साइड, ठीक है, इलाहाबाद से दक्षिण पश्चिम की साइड जो है 33 किलोमीटर की दूरी पर ये है, और इसी का नाम जो है पहले कौशाम्बी था प्राचीन काल में, अब जो है कौसम है। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए हमारे वैदिक काल में और जैन साहित्य में इसका बहुत बार उल्लेख है कौशाम्बी का। अगला क्वेश्चन देखिए, श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? दोस्तों इसका आंसर है चामुंड राय ने, ठीक है, चामुंड राय ने श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा जो है वो स्थापित करवाई थी। अब श्रवण बेलगोला है कहाँ, ये कर्नाटक राज्य में, याद रखिए कहाँ पे है, कर्नाटक राज्य में है, ठीक है। अगला देखिए, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ था, महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? तो ये दोस्तों बाहुबली, इसका आंसर क्या है, बाहुबली, ठीक है। मैं आपको ये समझा दूं, महामस्तकाभिषेक जो है जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है जो 12 वर्षों के उपरांत जो है मनाया जाता है, और कहाँ पे, कर्नाटक राज्य के अंदर श्रवण बेलगोला में आयोजित होता है, और यहीं पर जो है संत गोमतेश्वर बाहुबली की जो है 18 मीटर ऊंची मूर्ति स्थापित है। 2006 में अभी हुआ था, अब 2018 में होगा, 12 वर्षों के बाद, ठीक है, अगले साल। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, इसी के साथ जैन धर्म जो है हमारा समाप्त होता है। आगे हम आपको और धर्मों के बारे में जो है बताएंगे, और प्राचीन काल का अगला चैप्टर हम शुरू करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। स्क्रीन पर जो 4 वीडियो आपके आ रहे हैं इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।